हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का स्वागत है एक और न्यू प्यारे से ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अभी सुबह का वक्त हो रहा है और ज्योति तो बहुत ही ज़्यादा कमजोरी फील हो रहा है, तो आराम कर रही है। मैं उठ के काम धंधा किया घर का, और बाकी अपने दुकान का भी काम कर रहा हूँ। कल तो दुकान बंद ही था हमारा, तो आज से शुरू करना है। और फ़ोन भी कर दिए हैं, कुछ देर में आएंगे, जान पहचान के हैं, मामा लगेंगे, तो उनके पास कॉल किए हैं, वो आएंगे ज्योति का सैंपल लेने, ब्लड निकालेंगे और लेके जाएंगे जांच, दो जांच कराना है। तो देखिए रिपोर्ट क्या आता है, अभी आधे एक घंटे में आएंगे वो सैंपल ले जाने के लिए। अभी ज्योति उठ रही थी काम धंधा करने के लिए घर का, लेकिन हम इसको बोले कि नहीं तुम आराम करो, बाकी काम धंधा हम कर रहे हैं। फूला हुआ पूरा, अगर थोड़ा कम हो गया ना तो यह था पकड़ा नहीं रहता का ना जी, पूरा सूझ गया था, हम पकड़ते हैं इसका कलाई ना, तो मतलब पूरा अच्छे से पकड़ में आ जाता है, और इतना सूझ गया था ना कि इसके कलाई हम पकड़ नहीं पा रहे थे पूरा अच्छे से। और पूरा बॉडी देख के ना हमको भी डर लग रहा था, क्योंकि इसका पेट वो सब सूझ गया था, पेट और टिमकी की तरह निकल गया। अभी ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था घर में, अभी अच्छी है ज्योति तो अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो अभी काम धंधा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चावल बैठा के आए हैं, चावल बन जाए फिर हल्का फुल्का मसालेदार सब्जी बनाएंगे। आज जांच होगा तो कल शाम तक एक जांच तो जाएगा, बाहर जाएगा, सोमवार है तो जांच हो जाता है, रिपोर्ट आ जाएगा, फिर ले जाके डॉक्टर दिखाएंगे उसको। हो सकता है कि और कोई दवा दे इसके साथ में, अभी तो एक दवा मिला है, तो वो खाई थी कल रात में ज्योति, और फिर आज खाएगी। चलिए ऐसे ही आ गया था मैं ज्योति के पास, ज्योति सोचे हाल खबर ले ले ज्योति का। नहीं आई के गोदिया में ले ली, बच्चा है मेरे, हमारे घर दो दो बच्चे हैं, एक ये है एक परी है, परी भी अभी गई है उधर आगे वाले रूम में है, वहाँ पे मैं काम कर रहा था ना तो चली जाती है, काम करते है ना तो वहीं पे बैठी रहती है, कुछ कुछ करते रहती है, मेरा भी मन लगता है साथ में रहती है, कुछ कुछ पूछते रहती है, पापा ये कैसे वो कैसे, तो कुछ कुछ पूछती है ना तो अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है। तो चलिए अभी फिर से ज्योति को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि सब्जी काटना है, चावल तो बैठा दिया, सब्जी बना लेते हैं। चलेगी घर पे मम्मी ने मोड़ ले रही हम बेचारी इंजेक्शन से बहुत डरती है, मैं बोलती है दवा खा लेंगे इंजेक्शन नहीं लेंगे, खून के से निकल रहा है, कुछ नहीं होगा। बोले ना कि एक एक तो यहाँ पे हो जाएगा, एक जाएगा मुंबई तो कल शाम को मिलेगा, परसों चल के दिखाया जाएगा, है ना? एक्शन। पास कल रात में ही कॉल किए थे हम, तो बोले कल सुबह आके ले लेंगे सैंपल, तो अभी आए थे सैंपल लेने, सैंपल ले लिए। अरे खसका होता था कजन का टाइम कितना होता है। हाँ बाबू को एग्जाम है ना, स्कूल छोड़ने जाना है, फटाफट खा लो बेटा, इतना अच्छा बनाया है मम्मा, ये देखिए पक्का पक्का पक्का, हां तो पक्का ही खाते हैं, दूध में का बनाए हैं दोस्तों, दूध और चीनी डाल के, थोड़ा दूध चीनी आटा। तो देखिए रिपोर्ट क्या आता है ज्योति का, कल शाम तक रिपोर्ट मिलेगा मुंबई से, कल शाम तक आ जाए, नहीं तो आज भेज देंगे ना सैंपल। अच्छा मतलब कल आए, मतलब
तो मुझे खेल लेके जाए। पता नहीं कैसे जाता होगा, पूछना पड़ेगा। तो आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा गॉड से कि हमारी ज्योति का रिपोर्ट अच्छा आए और कोई प्रॉब्लम ना हो, दवा से ही ठीक हो जाए। पहले भी जांच कराया था ना दोस्तों, यूपी में, यूपी नहीं मध्य प्रदेश का ना। हाँ एमपी में हुआ, एमपी में ना पड़ जाए नेहरू। आप लोग यूपी से होंगे तो पता होगा नेहरू हॉस्पिटल का ना जी, एनसीएल, वही नेहरू, नेहरू शताब्दी हॉस्पिटल। ज्योति बाबू जब पेट में थी ना तो वहीं पे इलाज चलता था। वहाँ में क्या नाम था ज्योति का? बीड़ा शर्मा। बीड़ा शर्मा। कल मैडम जी डांट रही थी जी, अब कब दूसरा बेबी लोगी, बड़ी हो जाएगी, 12 साल की हो जाएगी। तो यहाँ सिवान के रीता सिन्हा है, बहुत भूख लग रहा है ज्यादा, कह रही है भूख लग रहा है, खा ले रही हो ढेर ढेर, तो भूल गई हो। पता नहीं क्यों डर। तो चलिए अभी चलते हैं काम धाम करने, और रिपोर्ट जब आएगा तो आप लोगों से भी बताएंगे, हम शेयर करेंगे। तो जी अभी बजने वाले हैं 12 और हम जा रहे हैं परी को स्कूल से लाने, क्योंकि 12 बजे उसका छुट्टी होगा और 11 बजे 55 मिनट बच चुका है, 5 मिनट बचे हुए हैं, तो चलते हैं उसको। और यार बक्स था ना, अपने फ्रेंड को दिखाए, चॉकलेट खा रहा है, दांत सड़ जाएगा, चूहा वाला जो दांत है ना तुम्हारा वो सड़ जाएगा। रोज रोज चॉकलेट खा रहा है। और दिखाया यार बक्स दोस्तों क्या बोल रहे थे आपको? चलिए जी परी भी आ गई, अब चलते हैं। और गाइस अभी हम लोग इस रूम में बैठ के काम कर रहे हैं लोग, और परी कुछ कर रही है जाकर रूम में, अभी ज्योति गई है, डांट लगाई है, मेकअप की है, चलिए दिखाते हैं। बोल रही है पापा उधर से ही चिल्ला के, पापा बोलो कैमरामैन फोकस करो, मेरी बेटी आ रही है। वाह। कैसे बोल रही है दोस्तों, आप लोग भी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। देखे बेटा देखे, वाह लिपस्टिक लगाया है, आईलाइनर, आईलाइनर देखे, देखे। माँ को मेकअप आता नहीं है और बेटी को, वाह 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 वाह। हाँ थोड़ी सी और बड़ी हो जा, लेकिन बिल्कुल कछुआ दिख रही है मेकअप कर। ना धोई है, देखो ना बाल गीला है। अच्छा इतना मेकअप के बाद भी कछुआ दिख रहा है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और अभी सुबह का वक्त हो रहा है, परी को स्कूल जाने के लिए तैयार करवाए हम लोग, और अभी हमारे खिड़की पे कुछ चिड़िया आई थी लोग। परी बोली है पापा ये चिड़िया लोग खिड़की का शीशा फोड़ देगी क्या, कुछ कुछ करके अभी भाग गई है ना बेटा। अभी आए हैं हम लोग छत पे, हम लोगों का कपड़ा काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था क्योंकि ज्योति का तबीयत खराब था, और कपड़ा दिखाएंगे तो आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। ये देखिए अभी तो इसमें एकदम पूरा कोंच कोंच के भरे हैं, क्योंकि नीचे से लेके आए थे ना, वहाँ पे है बहुत सारा कपड़ा है। तो हम अभी पानी निकाल के दे दिए हैं ज्योति को, तो धोएगी और जा रहे हैं हम ज्योति का रिपोर्ट लेके आने, क्योंकि रिपोर्ट आ चुका है, फ़ोन किए थे तो बोले कि हाँ आके ले जाइए, रिपोर्ट आ चुका है, चलते हैं रिपोर्ट लेके आते हैं, उसके बाद ज्योति का हेल्प कराएंगे हम दोस्तों। अभी रिपोर्ट लेके हम आ गए ज्योति के पास, ज्योति मिल गया रिपोर्ट। तो अभी तो इस रिपोर्ट को लेकर हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम है और लेट भी हो चुका है, तो इसको हम लोग कल लेके जाएंगे दिखाने, कल सुबह में है ना ज्योति। अभी जाएंगे लोग तो बहुत लेट हो जाएगा, बाबू भी एग्ज़ाम देने गई है तो उसके दुकान भी नहीं लग पाएगा, और बाबू के स्कूल की छुट्टी से पहले हम लोग आ भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए कल जाएंगे रिपोर्ट लेके। और डॉक्टर को दिखाने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या है। चलिए इसको रख देते हैं अच्छे से, कल लेके जाएंगे हम लोग, और इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे भी कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों।